के एक शूरवीर मियां डीडो जी का भी जन्मदिन है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अभी वहाँ से जो मियां डीडो की जो जन्मस्थली है जगती, यहाँ पर ये आप ही जो है IIT और IIM बने हैं, वहीं मैं माथा टेक के आ रहा हूँ। बड़ा लंबा कार्यक्रम था, हमने वहाँ श्रद्धांजलि मियां डीडो को जो है दी, और वहाँ पर डोगरी कवि सम्मेलन हुआ और अच्छे अच्छे कवि वहाँ पर थे। हमारे जो अभी जिनको एक अवार्ड मिला है, मोहन सिंह जी, उनको जो अवार्ड मिला है वो भी उनको हमने वहाँ पर जो है सम्मानित किया, और बहुत ही अच्छा वो भव्य कार्यक्रम था। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को कहूँगा कि जगती एक ऐतिहासिक स्थान है, और जगती जो IIT है उसके जो पास पड़ता है वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। मियां डीडो ने डोगरों की जो स्वाभिमान है उसका वो प्रतिनिधित्व करते थे। माँ वैष्णो के बड़े ही भक्त थे, और अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने शहादत पाई। वो हमारा स्वाभिमान, आम किसान, आम लोगों के लिए वो लड़े और शहादत पाई। ऐसे डीडो को हम आज के उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। जम्मू की युवा पीढ़ी जो है वो थोड़ा इतिहास से भरे हैं, किस तरह से जम्मू की पीढ़ी को इतिहास के साथ जोड़ा जाए, जम्मू कश्मीर के इतिहास के साथ जोड़ा जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जम्मू का बहुत बड़ा एक जो स्थान रहा इतिहास में, जम्मू की जब आप बात करते हैं तो डोगरों की बात होती है। जो डोगरे हैं, डोगरी स्पीकिंग जो लोग हैं, वो सिर्फ जम्मू में नहीं, एक डोगरी में कहावत आती है, 11-22 राजे पहाड़ दे बिच जम्मू दा राज। 11 राजे जो थे वो हिमाचल में थे, 11 जम्मू में पढ़ते थे। ये जो हिमाचल जम्मू का क्षेत्र, सियालकोट, गुरदासपुर, पठानकोट, मंडी तक, ये सारा जो क्षेत्र, जम्मू क्षेत्र के सभी ज़िले जो हैं, ये डुगर प्रदेश है। यहाँ डोगरी स्पीकिंग लोग रहते हैं। यहाँ पर ज़रूर थोड़ा बहुत फ़र्क होगा कि जो है एक थोड़े दूर चले जाए सब फर्क होगा। इन लोगों को जो है, और इतिहास जो ऐसा रहा है कि हमारे जनरल जोरावर सिंह, मियां डीडो, जनरल हुशारा सिंह, मेहता बस्ती राम और महाराजा गुलाब सिंह जैसे लोग हैं। महाराजा गुलाब सिंह ने जिस प्रकार से जनरल जोरावर सिंह के उनके नेतृत्व में भारत की सीमाएं जो है ल्हासा तक लेके गए, गिलगित बाल्टिस्तान, सेंट्रल एशिया तक हमारी सीमाएं गई, ये डोगरों को श्रेय जाता है। और जिस तरीके से 1846 को महाराजा गुलाब सिंह ने ये स्टेट क्रिएट की और अंग्रेज़ों के अत्याचार से हमें बचाया, 75 लाख रुपया दे के उन्होंने अंग्रेज़ों को हर्जाना भरा जो कि लाहौर दरबार ने देना था, और हमें उन्होंने बचाया। तो जम्मू के जो लोग हैं, डोगरा जो लोग हैं, इनका बहुत बड़ा इतिहास में जो है स्थान है। डोगरों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को समझना चाहिए और उसमें स्वाभिमान उनको होना चाहिए।